It was excellent, especially Shan, Adnan, Kiran Malik, a very strong script. Cannot discriminate, magar Shan was looking fantastic after many years. After many years, I saw him, fantastic action scenes, breath of fresh air in the movie. Thank you. अच्छा बताइएगा आपकी फिल्म के बारे से बताइएगा कैसी लगी है फिल्म आपको फिल्म के बारे से बताएंगे आपने फिल्म देखी आज की जी देखी है बताइएगा कि पकड़ इसको फिल्म के बारे से बताएं कैसी लगी आपको फिल्म अच्छी है इफेक्ट्स अच्छे हैं फिल्म में और वैसे भी अच्छी है फिल्म एक्टिंग बहुत अच्छी है शान की और डायलॉग भी काफ़ी अच्छे थे और मुझे तो लग रहा है जैसे आजकल के हमारे मुल्क के हालात ही चल रहे थे सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा मुझे थोड़ा सा उस लड़की का जो उसकी थी उसने दी हुई थी अपनी उसकी डायलॉग दिल्ली भी अच्छी थी उसने जो मैसेज दिया हुआ था अपने फादर के हवाले से मुझे वो अच्छा लगा सबसे ज़्यादा और वैसे शान की भी ओवरऑल सारी जो थी उसकी अच्छी थी एक्टिंग आप बताइएगा देखिए आपने फिल्म जी बिल्कुल देखिए कैसी लगी आपको शान बड़े अच्छे बस फिल्म में आया हाँ क्या कहेंगे आप मैं ये कहूँ जी अच्छा कमबैक है अच्छा काम किया उसने और हमारी दुआ है जी कि ये फिल्म चले ज़्यादा देर चले और अच्छे तरीके से चले ताकि आगे भी इस तरह की मूवीज़ बने मूवी अच्छी थी लोगों को क्या मैसेज दें कि आना चाहिए फिल्म देखनी चाहिए बिल्कुल देखनी चाहिए जी फिल्म इंडस्ट्री तो इस तरह हमारी कामयाब होगी जब लोग आएंगे देखेंगे तभी लोगों में एक जज्बा पैदा होगा अच्छी से अच्छी मूवी बनाने का क्या कहेंगे आज की फिल्म के हवाले से पसंद आई आपको जी मूवी बहुत आउट क्लास थी और बहुत अच्छी थी इसमें एक बड़ा डीप मैसेज था जो हमारी यंग जनरेशन के लिए है और माशाल्लाह इन सब ने किरदार बहुत अच्छे निभाए हैं और इसके अलावा इस पाकिस्तान के बहुत टाइम के बाद इतनी ऐसी अच्छी मूवी आई है जो हम लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं जिससे और हम काफ़ी लोगों को बता सकते हैं कि इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है अगर आप देखेंगे तो होप सो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इस पर अमल करके आप कंट्री के लिए अच्छा सर्व कर सकते हैं लोगों को आना चाहिए फिल्म देखने बिल्कुल डेफिनेटली आना चाहिए क्योंकि ये एक फिल्म इंडस्ट्री में एक नया चेंज है अब तक जो जितनी भी मूवीज़ थी पहले वो सारी एक पंजाबी एसेंट पे थी ये एक फॉरनर लेवल की मूवी है जिसमें लोगों को मस्त देखना चाहिए इसकी अच्छी फिल्म नहीं बन सकती जो शान ने किया है आज मुल्क के लिए किया है कौम के लिए किया है पाकिस्तान जिंदाबाद पाक आर्मी जिंदाबाद अच्छा शान बहुत अच्छे बाद फिल्मों में आया तो आप समझते हैं कि वो पहले से भी अच्छा कमबैक है शान का पहले से भी अच्छा और नदीम साहब का लाजवाब है नदीम बेग साहब लोगों को मैसेज देंगे कि यहाँ पर आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए हमें सपोर्ट करना चाहिए हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना है जी बिल्कुल समझ में तो आती है कि ये मुल्क के साथ मोहब्बत के ऊपर ये बेस्ड मूवी है और शान की एक्टिंग बहुत अच्छी है और स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट इतना साउंड है कि आप फिल्म से नज़र नहीं उठाते और आप उसको पूरा कंप्लीट करते हैं और देखते हैं बहरहाल लोग जिस तरह की मूवी देखना चाह रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गाने होते हैं ग्लैमर होता है ये ऐसी फिल्म तो नहीं है लेकिन बहरहाल एक मैसेज ज़रूर इससे मिलता है और मुल्क की मोहब्बत इससे उजागर होती है शान तो जी हमारे मुल्क के लेजेंडरी एक्टर हैं और जब भी वो किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो बड़ी बम्बास्टिक होती है इस मूवी में भी उनकी एक्टिंग जो थी रियली वेरी इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के बता दें फिल्म के बारे से बताया आपको कैसी लगी शान की जी शान की एक्टिंग तो सुपर्ब थी और फिल्म भी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है उसमें स्पेशली जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं और जो सारी पिक्चराइजेशन है दैट इज़ परफेक्ट मुझे शान की एक्टिंग तो एक्सेलेंट स्टोरी लाइन अच्छी थी स्ट्रॉन्ग थी वीडियोग्राफी अच्छी थी और स्टोरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी लेकिन वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी वॉज गुड अच्छा बताइएगा फिल्म के वाले से बताइएगा जरार फिल्म देखी है आपने बता दें थोड़ा सा बहुत अच्छी लगी अच्छी मूवी थी किसका आपको एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी है शान की अच्छी थी क्या कहेंगे लोगों को आना चाहिए मैसेज देने के लिए